शासन की गलियों में। क्या बात है भाई, Thank you.
लड़ती पतंगों में, गिरती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पलखा की लेनों में, गन्नों के सीधे में, महीनों में बन रहे सवाद बिखरे और फुल के आग बिखरे, मन जाए ऐसी होती राशन की फलियों में क्या बात है भाई दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में Next event was 200 meters boys race. Participants were from 6th, 7th and 8th class. First position is Vipin, son of Mr. Om Prakash from 6th class. Second, Babit, son of Mr. Chid on the stage. उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। भाई साहब ये घटना
तो काफ़ी शानदार आपने खेल प्रतियोगिताएं अभी आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ में देखी होंगी। बाकी अभी हमारे पास जो है ना बीजीआरडी स्कूल के जो संस्थापक सर हैं राजपाल यादव जी, ये हैं और इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि इन दो दिनों के अंदर कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताएं थी और कितने बच्चों ने लिया हिस्सा इसमें। जी स्वागत है सर आपका इंडियन। धन्यवाद आपका सर। जी ये दो दिवसीय जो प्रतियोगिता थी इसमें कौन कौन से खेलों का आयोजन करवाया गया? ये समझेर जी दो दिवसीय जो खेलकूद वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हमने आयोजित की, इसमें कम से कम नहीं तो 20 इवेंट या 20 तरह के इवेंट हमने करवाए। जैसे कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, रिले रेस हुआ, रस्सा कसी का हुआ और बाकी जैसे और बाकी गेम थे उनका कंपटीशन कराया। जी बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों ने, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया? इसमें अमूमन 700 बच्चों ने भाग लिया। अच्छा। हाँ, और बाकी हमने आगे जिन बच्चों ने भागीदारी नहीं ली उन बच्चों से भी मोटिवेट करते हुए उनका हौसला बढ़ाया कि वो भी भागीदारी लें। स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। हाँ, स्पोर्ट्स के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में पेरेंट्स, हालांकि समय के साथ बदलाव तो आया है कि पहले एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे, अब पेरेंट्स भी एकल गेम पर ज़्यादा ध्यान देते कि जो टीम के जो खेल हैं उनसे मोह भंग होता जा रहा है और एकल जो टीम होती है, एकल गेम होते हैं उसमें पेरेंट्स ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बीजीआरडी स्कूल महेंद्रगढ़ में हम उपस्थित हैं और यहाँ पर सभी तो नहीं लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स हैं ना जो खिलाड़ी बनकर अभी उभरे हैं अपने आप में, क्योंकि जीत कर आए हैं मैदान से, जो कबड्डी के गेम में थे शायद आप लोग, है ना, यहाँ खेल प्रतियोगिता हुई, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे खेल प्रतियोगिता हुई। अच्छा, पहले भी पार्टिसिपेट किया आपने? यस। पहले पार्टिसिपेट किया है, किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया? कबड्डी में किया है। अच्छा, बीजीआरडी स्कूल के बारे में क्या कहेंगे, कैसा स्कूल है? बहुत अच्छा स्कूल है, इसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ हर प्रोग्राम होते हैं। कौन से स्कूल से आते हैं आप? मालडा। मालडा से। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मैं से 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। तो टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। बात करें अदर एक्टिविटीज़ की, जैसे अभी स्पोर्ट्स है और इस तरह से दूसरे एक्टिविटीज़ के तो और भी होती हैं इस तरह से? यस सर। अच्छा चलिए, और कौन क्या कुछ बोलेगा जी, क्या नाम आपका? सर मैं तो यही कहूँगी जो ये स्कूल है एजुकेशन में भी और स्पोर्ट्स में भी सबसे आगे है, मतलब एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स मीट को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो यहाँ पर दी जा रही है। इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स मीट होती रहती है यहाँ पर हर साल और इसका जो सारा क्रेडिट है ये हमारे डायरेक्टर सर को जाते हैं। जी अच्छा, यहाँ पर आप कब से पढ़ रहे हैं? शुरू से ही हम यहीं पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब फर्स्ट क्लास यहीं से शुरू की थी? यस। अच्छा, टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे, सारे टीचर्स टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मतलब बीजीआरडी बीजीआरडी बस। हाँ बीजीआरडी बीजीआरडी। जी क्या नाम आपका? तमन्ना। तमन्ना, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? सर स्कूल बहुत अच्छा है, अच्छी पढ़ाई होती है, अदर एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से होती है। अच्छा, अभी यहाँ दो स्टूडेंट्स रह गए थे जी, क्या नाम आपका? कोमल। कोमल, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? हमारे स्कूल में एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स भी हर साल होते हैं और स्पोर्ट्स में सभी पार्टिसिपेट भी करते हैं। आपने हिस्सा लिया? हाँ। आप जीत गए फिर? हाँ। तो जीते तो खुशी हुई होगी काफ़ी? यस सर। हार जाते तो? तो अभी कुछ सीखने को ही मिलता सर। कुछ सीखने को मिलता, मतलब या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, क्या कहेंगे एक्टिविटी के बारे में क्या कहेंगे? सर बीजीआरडी स्कूल बहुत अच्छा है, हर फील्ड में ही अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। मैं स्टार्टिंग से यहीं पढ़ रही हूँ। स्टार्टिंग से आप भी यहीं पढ़ाई कर रहे हैं? सर कहाँ से आप? मैं रिवासा से। रिवासा से ही, मतलब कोई मालड़ा से, कोई रिवासा से और कोई, आप कहाँ से? मैं रिवासा से। आप भी रिवासा से? क्या नाम आपका? मंजू। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? स्कूल बहुत अच्छा है, एजुकेशन भी सही है बिल्कुल, एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा है। अच्छा, एक्टिविटीज बहुत अच्छा है। तो टीचर्स के बारे में क्या कहेंगे? टीचर भी बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर ध्यान से पढ़ाते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा, आप तो रेडर भी थे ना शायद? यस सर। तो क्या स्कोर रहा, कैसे कितनी पारियां खेली, कैसे सेमीफाइनल तक फाइनल तक पहुँचे? 4 से 5 तो रेडर ली थी। अच्छा, और मतलब कि सभी का था उसमें, मेरा अकेले का कुछ नहीं था। कैप्टन कौन है टीम का? मैं। अच्छा, कैप्टन भी आप ही हैं, तो आपकी टीम जीत गई आपके नेतृत्व में। तो क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? सर सही है कि हमें सारी एक्टिविटीज और जो भी चाहता है ना वो दिलवाते हैं, मतलब जिसकी भी जरूरत होती है वो स्कूल वाले अवेलेबल करवा देते हैं। टीचर्स के बारे में क्या कहेंगे? टीचर्स भी सभी टैलेंटेड है और मतलब कि हमारे साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं, ना कि कोई टीचर है, मैनेजमेंट भी बिल्कुल। जो राजपाल सर एंड अदर्स सभी? हाँ सभी, मतलब कि हमारे फ्रेंड जैसे रहते हैं हमारे साथ, सभी अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आज हम उपस्थित थे
बीजीआरडी स्कूल के अंदर, बीजीआरडी स्कूल के प्रांगण के अंदर चेयरपर्सन मैम भी यहाँ पर उपस्थित है। हाँ जी नमस्कार मैडम। दो दिवसीय गेम रहे, क्या कहेंगे सर? बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया गेम में, कराटे का भी था, योगा का भी, और दौड़ के भी, लगभग काफ़ी सारे गेम, काफ़ी सारे बच्चों ने खूब इंजॉय किया। खूब इंजॉय किया, हाँ जी। चलिए, और यूँ है, अगर समय समय पे केवल पढ़ाई पढ़ाई को हम ना समझ के, अगर बच्चों को समय के अनुरूप अगर हम ये गेम भी करवाएं तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से ही बच्चा मजबूत बनता है। मजबूत बनता है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से बच्चा तब मजबूत होगा जब बच्चा खेलेगा ग्राउंड के अंदर। और यहाँ पर दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता हुई, रिले दौड़, योगा, कराटे, वैसे सिंपल जो दौड़ होती है 1600 मीटर, 400 मीटर, और बहुत सारी अन्य एक्टिविटीज़ जैसे गेम्स, जैसे कबड्डी हो गया, और बहुत सारे गेम्स यहाँ पर आयोजित करवाए गए। खास तौर पर बात यह है कि आज इस सिनेरियो में जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं मार्क्स के पीछे दौड़ते हैं, उस समय खेल प्रतियोगिताएँ जो हैं हमारे स्कूल्स में होनी चाहिए, और ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा स्पोर्ट्स होना चाहिए। हम बस यही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपने जीवन के अंदर स्पोर्ट्स को है ना एक अहम हिस्सा बनाएं। बाकी आपको ये कवरेज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।